हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम देते हैं आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर जरूरी खबर और रखते हैं आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट। तो दोस्तों, आज की खबर ये है कि अमेरिकन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जूनिपर नेटवर्क ने एक नए स्पेवर को फाउंड किया है जो कि क्रिप्टो एड्रेसेस के बदलने के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करता है। 26 सितंबर की थ्रेट रिसर्च रिलीज के अकॉर्डिंग जूनिपर थ्रेट लैब, जो कि जूनिपर नेटवर्क का एक थ्रेट इंटेलिजेंस पोर्टल है, उसने एक नया ट्रोजन को डिस्कवर किया है जो कि मेजर ग्लोबल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन चुराने के लिए मालवेयर को डिलीवर करता है। वहीं ब्लैक मार्केट फर्म्स के अंडर मसड क्लिपर और स्टीलर नाम से सर्कुलेटेड स्पेवेयर जो है वो यूजर्स के यूजर्स नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सहित ब्राउजिंग डाटा को लिस्ट को चोरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा मालवेयर में एक और फंक्शन भी शामिल है जो कि क्लिपबोर्ड से क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को अटैकर्स पार्टी के साथ बदल देता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पायवेयर क्लिपिंग कुछ मेजर क्रिप्टोस को सपोर्ट करती है, जिसमें बिटकॉइन, ईथर, XRP, बिटकॉइन कैश और लिटकॉइन जैसी कई दूसरी मेजर क्रिप्टो शामिल है। विशेष रूप से मालवेयर टेलीग्राम का उपयोग कमांड एंड कंट्रोल के रूप में करता है, जो मालवेयर को अनोनिमिटी की अनुमति देता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मालवेयर ऑटोइट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल से लिखा गया है और फिर एक एग्जीक्यूटेबल विंडो में कंप्लाई किया गया है और इंस्टॉल होने के बाद मसज ट्रिलर सिस्टम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रिप्टो वॉलेट एड्रेसेस, क्रेडिट कार्ड, ब्राउजर डेटा, PC और सिस्टम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वहीं जुपिटर थ्रेड लैब की अकॉर्डिंग मसज स्टीलर सभी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम बोट में भेजता है, जिसको थ्रेड एक्टर द्वारा मैनेज किया जाता है और साथ ही ये स्पायवेयर को भी कमांड भेजता है। दोस्तों, सिक्योरिटी पोर्टल ने कंक्लूजन निकाला है कि मसज स्टीलर एक एक्टिव और ऑनगोइंग थ्रेट है और पब्लिकेशन के टाइम पर भी कंट्रोल बोट्स अलाइव थे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इसी बीच टेलीग्राम ने 26 सितंबर को iOS के लिए ऐप के अल्फा वर्जन में अपना टोन ब्लॉकचेन नेटिव टोकन ग्राम के लिए एक वॉलेट जारी किया है और 24 सितंबर को टेलीग्राम ने अपने नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट के साथ बग बाउंटी कॉम्पिटिशन की घोषणा भी की। इसके बाद दोस्तों, जो अगली खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बिनांस ने एक ऑनलाइन फ्रॉड जिसमें $51 मिलियन के नुकसान हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर्स को असिस्ट करने का दावा किया है। 26 सितंबर को बिनांस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सैमुअल लिम ने एक ब्लॉग पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक्सचेंज जो है वो यूनाइटेड किंगडम की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की साइबर क्राइम यूनिट के साथ बुल्गेरियन फिशिंग एक्सपर्ट सेवेस्टोस्लाव डोंचेव में जांच करने के लिए काम कर रही थी। जैसे कि CPS यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि 37 साल के डोंचेव को ऑनलाइन फ्रॉड वाले आरोपों का सामना करने के लिए बुल्गेरिया से UK के लिए लाया गया था और 20 सितंबर को 5 अपराधों के जुर्म में 9 साल की सजा के लिए दोषी ठहराया गया है। CPS ने यह भी बताया कि क्रिमिनल ने वेबसाइट की स्क्रिप्ट को 53 UK बेस्ड लेजिटिमेट फर्म की रियल वेबसाइट के तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे क्रिमिनल को 41.6 मिलियन ब्रिटिश पाउंड चुराने में मदद मिल सके। वहीं लीगल फर्म की नकल करके दूसरे अपराधी क्लाइंट्स की उन सर्विसेज का पर्सनल डाटा ऑब्टेन करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट का उपयोग करने में सक्षम थे, जिसे बाद में डार्क वेब पर बेचा गया था। अनुमानों के अनुसार फ्रॉड ने पोटेंशियली 5 लाख विक्टिम को टारगेट किया। साथ ही पोस्ट में बिनांस ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी कमिटमेंट को आउटलाइन किया कि उनकी कम्युनिटी सिक्योर है और साथ ही बिनांस ने साइबर क्राइम से निपटने में सहयोग के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम UK मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के आभारी हैं और साथ ही साथ साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट को कंटिन्यू करने के लिए और एक हेल्थी लेजिटिमेट मार्केट बनाए रखने के लिए कई दूसरी एजेंसीज भी हमारे साथ काम कर रही थी। और लिम का कहना है कि साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क और इसके बारे में ऑनलाइन जानकारी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस तरह कंपनियां आपस में एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि खबर आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।